जुल्फ बिखरा के निकले वो घर से, देखो बादल कहाँ आज बरसे, फिर हुई धड़कनें तेज दिल की, फिर वो गुजरे हैं शायद इधर से। ये पंक्तियां हैं उस्ताद अहमद और मोहम्मद हुसैन जी की। जी हाँ, गजल ब्रदर्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनकी तारीफें तो बहुत हैं, इन्हें अवार्डों से नवाजा गया है। इन्हें पद्मश्री अवार्ड के साथ साथ एकेडमी अवार्ड जैसे कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। जी हाँ, इन्हीं हस्ती से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। इनके किस्से सभी जानते हैं कि इन्होंने काफी स्ट्रगल किया है और अपना एक अलग ही मुकाम पाया। और आज इनके जीवन से जुड़े वो किस्से जानने की कोशिश करेंगे जिसने इन्हें आज इस शिखर पे पहुंचा दिया है कि आज ये किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। सर, आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है आज की खबर में। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो सर, जिस तरह से हम आपकी जर्नी के बारे में आज जानने वाले हैं, तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपने शुरुआत कैसे करी, आपका बचपन कैसा रहा? देखिए, पहले तो हम जयपुर घराने से ताल्लुक रखते हैं। एक ही घर में जन्म हुआ हमारा, पिता माता सब एक हैं, खून मिलते हैं, दिल मिलते हैं, ख्यालात मिलते हैं। तो जब हमने आँख खोली तो बचपन में संगीत ही कान में पड़ा। दादा, नाना, ताऊ, पिता, सबकी आवाज़ें आती रहती थी ना समझी में भी। और जब थोड़े बड़े हुए तो खेलने को भी छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट जैसे हारमोनियम, तबले, सितार, इस तरह की चीज़ें, ताकि एटमोसफियर वही रहे। तो इसलिए हम लोगों को, लेकिन तब भी हमारे पिताजी का ये, हमारी माताश्री को ये ख़ास संदेश था कि गुरुकुल में पुत्र बना के मत भेजना, शिष्य बना के भेजना, क्योंकि हर शिष्य हमारे लिए बराबर, जो मेहनत करेगा वही है। सबसे पहले वो यही कहा करते थे कि मेरे इल्म को अपनाओ, विद्या, लेकिन मेरा टोन नहीं। जुड़वा बच्चे भी पैदा होते हैं तो उनकी एक शनाख्त होती है, घर वाले समझते हैं कि ये बड़ा है, ये छोटा है। तो इसीलिए अपनी पहचान अपनी स्वयं बनाओ, वो ये कहते थे। कुछ नहीं मिलता है इस दुनिया में मेहनत के बगैर, अपना साया भी मिला है धूप में जाने के बाद, तो आपको हर चीज़ में मेहनत करनी होगी। मैं ये नहीं चाहता कि लोग कहें कि साहब ये अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन इनके बेटे हैं। लोग ये कहें कि अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन के पिता हैं, ऐसा नाम करो, ऐसा अपना काम करो। तो लिहाजा, और जब हमने उनसे पूछा कि अलग अंदाज कैसे बनाए जाते हैं, तो उन्होंने कहा बच्चा जब चलने के लायक नहीं होता तो बाप की उंगली पकड़ के चलता है, जब वो हाथ छुड़ा लेता है वहाँ से उसका अपना अंदाज होता है। तो अपना अंदाज ज़रूर होना चाहिए। जी, तो अहमद जी, आप बड़े हैं दोनों भाइयों में, घर का एटमॉस्फेयर जो था वो संगीतमय ही था, आपको घर से ही प्राथमिक शिक्षा मिली है, तो क्या कुछ अलग रहा? क्योंकि ऐसे तो घर से शिक्षा मिल गई, लेकिन कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको बचपन में? नाज़नीन, आदाब, नमस्कार। अपने घर से चल पड़े तो उनका घर भी आएगा, यानी लखनऊ। लखनऊ से हमारा पुराना रिश्ता है जी। कल प्रोग्राम में आपसे हम रूबरू हुए थे, आज एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो आप लोगों ने किया, उसके लिए हम आपके आज की खबर के आभारी हैं। और जैसा आप बता रही हैं, हर काम अगर आसानी से हो जाता तो फिर मुश्किल लफ्ज ही नहीं होता, लेकिन मुश्किल बहुत ज़रूरी है, स्ट्रगल ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है, उसके लिए मेहनत, लगन, जुनून ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर कुछ भी हासिल नहीं होता। तो रियाज, लगन, मेहनत के बाद, क्योंकि हमारी एजुकेशन भी चल रही थी साथ, म्यूजिक की एजुकेशन के साथ साथ, म्यूजिक के सबक के साथ साथ जी। और हमारे पिताजी ही हमारे गुरु थे और वो हमारे मार्गदर्शक भी थे। अब क्योंकि जब उन्होंने कहा कि जो कुछ करना है वो आपको अपने बल पे यूँ करना है कि दुनिया को देखना है कि दुनिया में लोग किस तरह सामने आते हैं, अगर आसान रास्तों से अगर आप जाएंगे तो आपकी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन अगर आप स्ट्रगल करते हुए जाएंगे, मेहनत करते हुए जाएंगे, लगन से अपने काम को करेंगे, तो एक दिन मंजिल के करीब पहुंच सकते हैं। क्योंकि दुनिया में आज तक प्रॉपर मंजिल किसी को भी नहीं मिली, अगर कोई कहता है तो वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन हमें भी ये खुशी है कि हम कम से कम अपनी डेस्टिनेशन के नियर पहुँच गए हैं। तो संगीत की शिक्षा के साथ साथ
वो शिक्षा भी जारी थी, मगर हमारा क्या है कि जो हमारे ट्रेडिशन होते हैं उसमें एक तरीका होता है कि आपको जो कुछ भी बता रहे हैं गुरु, उसके साथ साथ अपने गुरुओं के साथ पहले कार्यक्रम में हम जाया करते थे, यानी पिताजी के साथ जी। अपने परफॉर्मेंस के बीच में रोक के वो कहते थे हमारे बेटों की आप एक दो गजलें सुनिए या भजन सुनिए या बंदिश सुनिए, तो वो पेश करते थे जी। लेकिन कहते हुए यही थे कि आपको जाना पड़ेगा खुद को, तो उस जाने के लिए हमको मेहनत ये करनी पड़ी कि हम अच्छे खासे घर के होने के बावजूद वो कहते थे ये चीज़ आपको हासिल कैसे होगी ये देखना होगा, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपको कभी भी कोई हुनर नहीं आएगा, तो उसके लिए मुश्किलात बहुत आई। जैसे कि हम लोग अपने प्रोग्राम देते थे और हमारी जो अर्निंग होती थी उसके लिए हम स्ट्रगल करने जाते थे अहमदाबाद, दिल्ली, बॉम्बे वगैरह वगैरह, बहुत सारे शहरों में, भोपाल भी है उसमें, वहाँ से जो कुछ भी हमें प्राप्त होता था, फिर हम जब बॉम्बे जाते थे अपना स्ट्रगल करने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, तो वो जितनी भी पैसा हमारे पास आता था उसको हम खर्च कर देते थे, क्योंकि हमारी कोई पहचान नहीं थी, हमें उस मंजिल तक कैसे जाना है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। पिताजी ने ये ज़रूर कहा था जब कभी ऐसा लग जाए कि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है और आप वहाँ नहीं जा सकते तो मुझे बताना, मैं वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, लेकिन हलवा जो है खाने की आदत मत डालिए, हलवा कैसे बनता है इसको देखिए जी। तो स्ट्रगल के बारे में हमें पता चल गया, पहले गुरु आपके पिता ही थे, तो पहला जब आपको ब्रेक मिला उस वक्त के बारे में जानना चाहेंगे, कितनी मुश्किलों से मिला और उस वक्त की सिचुएशन क्या थी? सबसे पहला हमें याद है जो ब्रेक 1975 में कलकत्ता में कलकत्ता म्यूजिक सर्किल विजय किचलू थी, उस संस्थापक, उसके आर्टिस्ट भी बहुत नायाब थे, उस प्रोग्राम में पंडित जसराज जी थे, भीमसेन जोशी जी थे और अपने परवीन सुल्ताना थी, इतने महान महान आर्टिस्टों के बीच हमें रखा, तो हमने पिताश्री से कहा कि हमारी तो हिम्मत ही नहीं हो रही, तो उन्होंने यही कहा कि देखो बड़ों का आदर करना, सत्कार करना, बड़ों से इजाज़त लेना ये बहुत ज़रूरी है, जितना हमने सिखाया है उतना तो तुम्हें पेश करना पड़ेगा, नहीं किया तो वहीं मारूंगा। तो उस दहशत से भी हमने उनसे इजाज़त भी ली, तो लिहाजा जो वो गाए वो प्रोग्राम हमारा सबसे पहले ज़िंदगी का एक सफल प्रोग्राम है कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों को हमने 1960 में बड़े उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब और 1960 में ही उस्ताद अमीर खान साहब को भी हाज़िरी दी, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो लिहाजा ये है कि बेतजस्सुस यानी विदाउट स्ट्रगल, बेतजस्सुस आ गई मंजिल अगर ज़ेरे कदम, मेरे दिल में जस्तजू का हौसला रह जाएगा, तो मेहनत बहुत ज़रूरी है। हम जगह जगह जाके मिलते थे HME, तो मालूम हुआ हमारा नंबर इतनी देर में आया कि इधर अगर नंबर कट हम छोड़ के जाते हैं तो कोई बुलाएगा नहीं, तो इतना 3-4 बजे आया और वो ऐसा भूख का आलम था कि बहुत बुरा गाय है, लेकिन पिताजी ने कहा मेहनत से हारना नहीं, हम करते गए। बाद में उसी HME ने हमें खुद बुलाया और रिकॉर्ड किया जी। अहमद जी, जिस तरह से हर एक गुरु के लिए, आपके गुरु तो पिता ही थे, माँ बाप के लिए भी जो आपकी गुरु दक्षिणा होती है वो आपकी सफलता होती है, तो उनके लिए आपकी सफलता बहुत मायने रखती होगी, लेकिन जो आपको फर्स्ट ब्रेक मिला उससे तो वो काफी खुश रहे होंगे, लेकिन कोई ऐसा आपकी एल्बम या सॉन्ग जिससे आपके पिता गौरवान्वित फील करने लगे? देखिए हम बल्कि अपने आप में फख्र महसूस करने लगे कि हम उनके बच्चे भी हैं और शागिर्द भी हैं जी। एक एल्बम हमने कोशिश की कि हमारे पिता को हम अपनी तरफ से क्या सौगात दे सकते हैं, क्या अपनी तरफ से गुजारिश कर सकते हैं, एक माइलस्टोन बन जाए आने वाले दौर में, तो एक एल्बम निकला हमारा रहनुमा जी। रहनुमा की लफ्जी माने होते हैं मार्गदर्शक जी। वो हमारे मार्गदर्शक भी थे। हसरत जयपुरी साहब से हमने ये कहा कि एक ख़ास तौर से एल्बम कर रहे हैं वाली साहब के लिए और वो आपके बहुत अजीज़ दोस्त हैं, तो कुछ गज़लें आपको ऐसी कहनी है
जिससे ये लगे कि वाकई ये हम गुरु दक्षिणा दे रहे हैं। तो उन्होंने एक गज़ल तो ये लिखी कि कह रहा है आपका हर शख्स दीवाना हमें, कह रहा है आपका हर शख्स दीवाना हमें, आप ही के नाम से दुनिया ने पहचाना हमें। तो उनके नाम से हम पहचाने जा रहे थे और आज भी उन्हीं के नाम से पहचाने जाते हैं जी। वो एल्बम जब आया और साथ में आने से पहले एक हाँ हमने गुजारिश और की थी हजरत जयपुरी साहब ने कि साहब देखिए ये भी ज़रूरी लिखी है कि हमें ये लोग जानते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम फख्र से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, लेकिन कभी कभी लोग इस असमंजस में रह जाते हैं कि इनका ठिकाना कौन सा है, ये कौन कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से मुल्क के हैं, कौन से शहर के हैं। तो उन्होंने लिखा एक बड़ा प्यारा नगमा, मुसाफिर हैं हम तो चले जा रहे हैं जी। बड़ा ही सुहाना गज़ल का सफ़र है, पता पूछते हो तो इतना पता है हमारा ठिकाना गुलाबी नगर है। यानी उन्होंने इंडिकेशन दे दिया कि हम जयपुर गुलाबी नगर के रहने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें जब उनके सामने आई तो पिताजी को बहुत अच्छा लगा। हम ये नहीं कह सकते हमने उनके लिए किया, सब कुछ तो उन्होंने ही किया है हमारे लिए, लेकिन उनको बहुत अच्छा लगा। और जो कुछ हमारे माता पिता को अच्छा लगता था वो सबसे प्रिय होता था हमारे लिए, ये हमारा मानना है। और जिसने अपने गुरुओं को, माता पिता को, बुज़ुर्गों को माना वो हमेशा खुश रहा, आबाद रहा। कल जैसा कि आप भी वहाँ तशरीफ लाई थी, ये संगीत नाटक एकेडमी की तरफ से अवध फेस्टिवल जो चल रहा है उसमें कल हमारा प्रोग्राम था। संगीत नाटक एकेडमी ने सारे व्यवस्थाएं की हुई हैं, सारे अरेंजमेंट किए हुए हैं, लेकिन हमारे एक बहुत ही प्रिय हैं मनीष श्रीवास्तव, उनकी पत्नी मोनिका श्रीवास्तव हमारी शिष्या हुई हैं, एक साल के करीब हो रहा है वो संगीत सीख रही हैं। उन्होंने हमसे आग्रह किया कि उस्ताद जी आप होटलों में तो रुकते ही रहते हैं, अगर हमारे घर पे रुक जाएंगे तो हम बहुत ही अपने आप में गौरवान्वित तो होंगे और खुश होंगे जी। तो हम उन्हीं के यहाँ अभी रह रहे हैं, लेकिन ये रहना इतना बड़ी चीज़ नहीं है। रहने के लिए मैंने बताया ना आपको सारे इंतजाम तो हैं, लेकिन लोगों का प्यार है, लेकिन ये प्यार, ये इज्जत, ये मान सम्मान कहीं मिलता है तो यकीन मानो बहुत खुशी होती है। बिल्कुल। एक सवाल आप दोनों से ही है कि भाइयों में हमेशा पैसों को लेके, शोहरत को लेके, नाम को लेके हमेशा लड़ाई देखने को मिली है, आज से नहीं बहुत पहले से, राजाओं महाराजाओं के ज़माने से। आप दोनों ने इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके कैसे अपनी टीम को मजबूत रखा, कैसे भाई होने के बाद भी कोई दरार नहीं आई? देखिए शिखा जी, हमारे पिताजी का सबसे पहला कहना ही था कि दुख सुख में हमेशा साथ रहना, है ना। कोई एक अवार्ड भी अगर कोई मिलता है तो वो दोनों का ही है, कोई तारीफ एक की करता है तो वो दोनों की ही है। जो पैसों का जो भी है, ये पैसा बहुत बुरी चीज़ है, जर ज़मीन और इन चीज़ों पे झगड़े होते हैं। तुम हमेशा आज तक, आज बचपन से बचपन तक हमारी जॉइंट फैमिली है, हमारे बच्चे, हम सब लोग साथ मिल के खाना खाते हैं, तो ये पिता की शिक्षा है। लेकिन लड़ते नहीं है, टकराव होता है, लेकिन कैसे होता है? बशीर बद्र साहब की ये गज़ल है, उसका एक मतलब है कि सूरज चंदा जैसी जोड़ी हम दोनों जी। दिन का राजा रात की रानी हम दोनों, एक दूजे, आपके सवाल का जवाब इसमें आएगा, एक दूजे से मिलके पूरे होते हैं, आधी आधी एक कहानी हम दोनों। इसलिए अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी चीज़ है, अपने आप में इतना पुख्ता रहना है कि कुछ हिलाने की कोशिश भी करे आदमी तो आपके फ़न के, आपके प्यार के ज़रिए आपको उस चीज़ को साबित कर देना है, जैसा कि आज हो रहा है कि हम पहले भी एक थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। ये एक शेर और याद आ रहा है जी। क्या बतलाएं, सुर सागर में डूब के हम खो जाते हैं, हम दोनों लहरों की तरह लड़कर एक हो जाते हैं जी। यानी कि मतलब मतभेद रहे लेकिन मनभेद नहीं रहे, कभी होता ही नहीं जी। कभी ऐसा हुआ कि कोई अवार्ड मिल रहा है लेकिन आपको उसकी उम्मीद नहीं थी? देखिए, संगीत के लिए अवार्ड बने हैं, अवार्डों के लिए संगीत नहीं। हमने गाना इसलिए नहीं सीखा शास्त्रीय संगीत कि हमें कोई अवार्ड मिलेंगे। हमारे पिताश्री कहते थे हमेशा संतुष्ट रहना बहुत ज़रूरी है, आप तो अपना काम करते रहिए, इंशाल्लाह अवार्ड मिलेंगे
और सबसे बड़ा अवार्ड हम ये मानते हैं और हमें फ़ख्र है, बहुत प्राउड है कि हमारे वालिद मोहतरम मरहूम उस्ताद अफजल हुसैन खान साहब, जो हमारे गुरु भी थे जी, उन्होंने एक टाइम ऐसा आया कि जो हमें शाबाशी के साथ साथ जी 5-5 रुपये इनाम अवार्ड दिया, उससे बड़ा इनाम कुछ नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं हो सकता, उससे क्योंकि गुरु जी, गुरु तो विद्या देता है, तो ये अवार्ड जो है वो जो विद्या उनकी दी हुई है, वो जो हम सामने लोगों के ला रहे हैं जी, ये उनका जो सब किया था वो हमें अवार्ड के जरिए मिल रहा है। इसके दो जवाब और भी है, अजीज तर मुझे रखता है वो रगे जहाँ से, यहाँ सिंगुलर क्यों है कि बाप एक होता है, अजीज तर मुझे रखता है वो रगे जहाँ से, ये बात सच है, मेरा बाप कम नहीं माँ से, और सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। बिल्कुल, माँ की दुआओं का असर और पिता का साया बहुत जरूरी होता है, वही आपको तरक्की देता है। जब आपको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया तो क्या उसकी उम्मीद थी और उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ? देखिए, उम्मीद का जहाँ तक ताल्लुक है, उम्मीद तो बहुत पहले से थी, लेकिन अल्लाह का हुक्म इस टाइम का था और अब मिल रहा है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं हमारी राजस्थान सरकार से लेके और भारत सरकार के, कि जिन्होंने इसके ज़रिए, मतलब कम से कम हम तो ये मानते हैं किसी कलाकार को हमें मिला उसके लिए तो हमने आभार व्यक्त कर दिया, लेकिन किसी भी कलाकार को मिलता है ना, तो आप यकीन मानिए हमें दिल से बहुत खुशी होती है, क्योंकि कला और कलाकार हमारी नज़र में सबसे बड़ा आदमी वो है जो संगीत सुनता है, जो संगीत की कद्र करता है, जो संगीत को चाहता है जी। और उसके लिए ये अवार्ड अल्लाह का करम है, माँ बाप की दुआएं, आप लोगों का प्यार है, मिला उसके लिए बहुत खुशी है जी। आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन उस दौर में और आज के दौर में क्या अंतर है? देखिए, पहले स्ट्रगल करने का मतलब होता है कि आजकल तो फैसिलिटी बहुत है, हमने ऐसा सफ़र किया था कि जब ट्रांसपोर्ट या ट्रेन या फ्लाइट ये लिमिटेड हुआ करती थी जी, तो आप अल्लाह की करम से हमें ये अच्छा लगा कि हमने कैसा कैसा सफ़र उसने करवा दिया जी, कि हम बैलगाड़ियों से भी गए हैं और हम लोकल बस से भी गए हैं और हम एक तरह से पैदल भी घूमते थे सब कुछ, लेकिन आज फैसिलिटी ये है, तो आज के और पुराने सफ़र में ये फ़र्क है कि पहले मशक्क़त होती थी, मेहनत, लगन, आजकल आपका ऑर्डर होता है, टिकट करा दीजिए जी, लेकिन उस वक्त टिकट कराने का कोई साधन ही नहीं था, कोई क्लासों रिजर्वेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी जी, तो आपको जो कुछ करना है आपका सामान, ऐसा सफ़र भी किया है कि बता रहेगा ट्रेन में अचानक एक प्रोग्राम आया और कोई रिजर्वेशन नहीं, तो सामान जो है लेके चढ़ने में भी दिक्कत थी, बल्कि जब अंदर इस कंपार्टमेंट में पहुंचे हैं तो कोई जगह नहीं थी, इवन वो जो हमारी सूटकेस थी वो भी हमारे सर पे थी, उसके बाद जैसे जैसे ट्रेन चलती है वो तो फिर मूवमेंट होते रहते हैं, तो वो सामान रखने का एक जगह मिली, उसके बाद उस पर बैठने की जगह मिली, उसके बाद कहीं ना कहीं सीट भी मिल गई तो चले गए, लेकिन हम वही कह रहे हैं कि आसान ढंग से कोई भी चीज़ मिल जाती है तो उसकी कदर नहीं होती, बिल्कुल, तो मेहनत ज़रूरी है, मेहनत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि जो कलाकार हैं पहले के समय में ज़्यादा स्ट्रगल करते थे, आज के समय में ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं? देखिए, ऐसा स्ट्रगल तो हर दौर में होता आया है, लेकिन ऐसा माना जाता है, लेकिन पुराने ज़माने में ये था, साधन भी नहीं थे, है ना, तो घर का भी खर्च चलाना है, आपको भी कुछ लेके जाना है, तो ये पहले हम ट्यूशन दिया करते थे, वार्निंग होती थी उससे हम जाते थे, पहले फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास होती थी बस ट्रेन, अब तो इसी भी होते हैं और जनरल कोच भी होता था, तो उन मैं लाइन में रख के जाना, तो ये लेकिन जो स्ट्रगल उस दौर का था, पहले रात रात भर गाने हुआ करते थे, गाना मुझे सुबह से गा रहे हैं और शाम से शुरू हुए सुबह तक, अब तो लोगों के पास वक्त नहीं है, दूरियां शहर बढ़ गए, तो बहुत कम, मुनी साहब तो पिताओं गुरु ने कहा शुरू करना संगीत सिखाया, ख़त्म करना रिकॉर्डिंग कंपनी और आकाशवाणी या मीडिया, उन्होंने कहा बस यही माइंड अप कर दीजिए। आज के दौर में भेदभाव कर लीजिए या परिवारवाद कर लीजिए, लेकिन आपको संवाद करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कला सीखनी पड़ेगी, उसके
ये जितने भी आर्ट के काम है ये स्टैंप नहीं है, ये ठप्पे नहीं है कि साहब आप किस घराने के हैं, ये लीजिए आपको लगा दिया आप भी हो गए, ऐसा नहीं होगा। हमारा बच्चा है, अगर वो रियाज नहीं करेगा, पहले तो सबसे पहले कलाकार वो बनाता है जी। फिर दुनिया में आके उसके उस्ताद के जरिए वक्त में क्या मौका मिल पाता है सभी को, जो अच्छी टैलेंट होता है टैलेंट को मौका मिल पाता है? टैलेंट में टैलेंट है तो मौका एक दिन मिलेगा, ये हमारा दावा है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, कलाकार वो बनाता है जी। उसकी पॉलिशिंग उसके उस्ताद के जरिए दुनिया में होती है। जब वो रियाज लगन मेहनत जुनून के साथ निकलता है जी। तो ये मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि देर आया दुरुस्त आया। वो किस लिए कि आपको अगर मंजिल मिलेगी, आप में फन है आप में टैलेंट है तो मिलना ही होगा, उसको कोई माइकलाल नहीं रोक सकता अलावा भगवान के अल्लाह के। आपने कितने कितने घंटे रियाज किया है? देखिए पहले जमाने में तो पिछले जमाने में तो गुरुकुल का मतलब होता था सुबह 4 बजे गुरुकुल का दरवाजा खुल जाना है, उसमें जो आ गया वो आ गया जी। अगर वो दरवाजा बंद हो गया तो वो आदमी नहीं आ सकता। तो उस जमाने में भी कम से कम 4-4, 5-5 घंटे रियाज होता था जी। आज के दौर में रियाज कहाँ होता है, अलावा इसके कि जो आप गाते हैं वो भी रियाज है, जो आप कंपोजिशन कर रहे हैं वो भी रियाज है, आपको मिलना मिलाना है तो उसका भी अपना एक रियाज होता है, लेकिन संगीत से उसका कोई लेन देन नहीं है। ये मीटिंग, ये पीआर, ये पीए, इसका संगीत से कलाकार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये प्रथा किसने डाली, कैसे बन गई, एक दिन ये तो ख़त्म होनी है, क्योंकि झूठ तो झूठ रहती है जी। और नूर साहब के बकौल के सच रहे सच, ज़रा घटे ना बढ़े, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। यूं तो आपके पिता ही आपके गुरु थे, लेकिन क्या कोई ऐसा सिंगर था जो आपका आइडल था आपके पिता के अलावा? अमूमन अगर सुना तो या तो पिता के अलावा उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, अमीर खान साहब, पंडित जसराज जी, भीमसेन जी, ये तो शास्त्रीय संगीत, और सुगम संगीत में बेगम अख्तर साहिबा, मेहदी हसन साहब, पहले उस ज़माने में यहीं लखनऊ के थे, मुजद्दिद नियाजी बहुत अच्छा गाते थे, तलत महमूद साहब, तो इन लोगों को हमने ज़्यादा सुना। और आप? तकरीबन हम जब दोनों साथ गाते हैं तो पसंद भी एक जैसी है। एक और अलग पसंद नहीं? नहीं पसंद अलग तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जैसे हमारे राजस्थान में थे मोइनुद्दीन खान साहब, यहाँ राहत अली खान साहब। बस क्या होता है किसी का नाम दे देने से तो ये होता है कि साहब एक जगह बन गई कि बस वो कलाकार कलाकार है हमारी नज़र में और सारे अच्छे हैं। वो समय जब आपको लगा कि नहीं अब मुश्किलें बहुत ज़्यादा है, अब आप टूट जाएंगे? नहीं, उसकी वजह है जो ये एहसास कर लेता है फिर वो टूट जाता है, लेकिन गिर के और उठना और संभलना यही ज़िंदगी है जी। क्योंकि गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, एक दिन आपको मंजिल मिलनी है, अगर आप में जुनून लगन भी तो है लेकिन जुनून हुआ तो मिल जाएगी, लेकिन अगर आपने ये सोच लिया मैं गिर गया आप मुझे कुछ नहीं मिलना, तो वो तो फिर आपकी हार आपने खुद ही मान ली है। हार माननी ही नहीं चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, मंजिल यकीनन मिलेगी। देखिए एक शेर मैं अर्ज करता हूँ अभिषेका जी, कि इतना आदी हूँ चलते रहने का, बैठ जाऊँ तो थकन होती है जी। तो काम करते रहना ही चाहिए, अगर हार जाना तो लक्ष्मण रेखा खींच जाना जी। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कलाकारों को आगे बढ़ा रही है, आप भी इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं और लखनऊ से आपका अच्छा खासा रिश्ता भी है, क्या कहेंगे? नहीं एक रिश्ता और है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि हम तो बेसिकली हमारा ननिहाल मथुरा में है जी। तो हमारे जो पूर्वज हैं उनको जयपुर महाराज जयपुर ले आए थे, लेकिन मथुरा वालों की हवेली से आज भी वही नाम हमने रखा हुआ है, और वहाँ कम से कम एक ज़माने में मुश्किल से कोई 25-50 लोग होंगे और आज 5,000 लोग हैं। ये महाराजा जयपुर ने द्वारकाधीश मंदिर से ले गए थे उनको हमारे पूर्वजों को, तो इसीलिए जो हवेली थी उसका नाम ही मथुरा वालों की। तो आपके सवाल को पूरा यूँ करेंगे कि हम उत्तर प्रदेश खासतौर से मुख्यमंत्री जी और जो संगीत नाटक एकेडमी ने ये पहल की है, ये यकीन मानिए कलाकारों के लिए एक अंदर से
बहुत अच्छा जज्बा और खुलूस और काम करने का तरीका लाए हैं, जिससे फनकार बहुत खुश हैं, हम भी खुश हैं जी। इस युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो हम संदेश क्या दे सकते हैं, क्योंकि हमने रात को भी कहा था हम विद्यार्थी हैं, मगर हम ये चाहेंगे, सबसे विनम्र निवेदन करना चाहेंगे, गुजारिश करना चाहेंगे कि आपको जो भी गुरु आपको अच्छे लगते हैं, गुरु तो अच्छा ही होता है जी, उससे विधिवत शिक्षा प्राप्त करके आप उनसे इजाज़त लेके पूरा तो कभी सीखता नहीं आदमी, लेकिन कम से कम इतना सीख के आइए कि आप खुद कॉन्फिडेंट हो कि मैं जाऊंगा स्टेज पे तो मैं ये काम कर सकता हूँ, ये नहीं मैं कर लूँगा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट। तो उसके हिसाब से उनको चाहिए गुरु से इजाज़त। पहले गुरुकुल में बाकायदा बहुत सारे इल्म सिखाए जाते थे, पहले सुनना, उसके बाद तहजीब, उसके बाद संगीत, उसके बाद आपको इजाज़त स्टेज पे जाने की वगैरह वगैरह। और आज तो ये है कि उस्ताद, पिछले ज़माने में उस्ताद के गुरु के घर जाना पड़ता था, गुरुकुल में जाना पड़ता, आजकल लोग घर पे बुला के गुरु को सीखते हैं पैसे के बल पे, विद्या कभी आएगी नहीं जी, ये हमारा मानना है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अहमद जी, मोहम्मद जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज की खबर पे आए और हमें अपना कीमती समय दिया, साथ ही साथ अपने जीवन से जुड़ी अहम बातें भी बनाई। तो आज हमारे साथ उस्ताद अहमद और मोहम्मद हुसैन जी जुड़े हुए थे, जो कि पद्मश्री से सम्मानित हैं, और साथ ही साथ उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें बताई, जिसमें इस युवा पीढ़ी के कलाकारों के लिए भी बहुत से संदेश छुपे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आएगा और आप भी इनसे प्रेरित होंगे। फिलहाल ऐसी ही तमाम खबरों के लिए, जानकारियों के लिए देखते रहिए आज की खबर।